गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 48 आप देख रहे हैं बोर्ड पे। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, तो ये जो चीज़ दिया हुआ है ये बुक में ही बनाने का है। ओके, तो बुक वाले बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 48, इसलिए मैं कहती हूँ बुक होना चाहिए। ओके, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितने देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे बात आपको फॉलो करने अपनाने। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स परचेस करवा लें, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं जो चीज़ हमें बनाना है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर बी नोटबुक में बना सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो डी है वो नहीं बना सकते। वो क्या है, तो हमें प्लांट्स दिया हुआ है और एरो के अकॉर्डिंग उसको बता रहा है कि आप प्लांट के उस पार्ट का नेम लिखिए, तो हमारे पास बुक ही नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे, है ना। इसीलिए तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर ए पेज नंबर 47 वो बना रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर ए था आस्क एन आंसर, जिसमें हमने 1 से लेकर 21 ओके और बनाया था। तो मैं जो क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 है एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ, मैंने प्रीवियस क्लास में ही इसको पढ़ाया था कि 19 में क्या था, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्वीट टू स्मेल, पौधे का कौन सा भाग है जिसकी जो खुशबू है बहुत मीठी और अच्छी होती है, तो वो क्या है, द फ्लावर ऑफ द प्लांट इज स्वीट टू स्मेल, पौधे का फूल वाला भाग एकदम उसकी जो सुगंध होती है बहुत ही अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 वो क्या था, डू यू लाइक टू क्लाइंब ट्री, क्या आपको पेड़ पे चढ़ना पसंद है, तो येस और नो में जवाब देना था। तो जिन बच्चों को पसंद है वो बच्चे येस वाला आंसर लिखे होंगे, और जिन बच्चों को नहीं पसंद है वो बच्चे नो वाला। तो कैसे लिखे होंगे, येस आई लाइक टू क्लाइंब ट्री, हाँ मुझे पेड़ पे चढ़ना पसंद है, और जिन बच्चों को नहीं पसंद है वो लिखे होंगे नो आई डोंट लाइक टू क्लाइंब ट्री, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है पेड़ों पे चढ़ना। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 20 जो आस्क एन आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, अब क्या है, डू यू ब्रेक ब्रांचेस एंड प्लक फ्लावर्स, येस और नो, क्या आपने ब्रांचेस डाली को शाखाओं को या फूलों को तोड़ा है, तो अगर तोड़ा है तो यस बोलिए, यस में जवाब दीजिए, नहीं तोड़ा है तो नो में। तो आपने कैसे लिखा होगा, यस वाले बच्चे जिन्होंने तोड़ा है और उन्होंने, देखिए ईमानदारी से ऑनेस्टी से हमें आंसर लिखना चाहिए बोलना चाहिए, तो येस आई ब्रेक ब्रांचेस एंड प्लक फ्लावर्स, हाँ मैंने पेड़ की डाली को तोड़ा है फूलों को भी तोड़ा है। और जिन बच्चों ने नहीं किया उन बच्चों ने क्या लिखा होगा, नो आई डोंट ब्रेक ब्रांचेस एंड प्लक फ्लावर्स, नहीं मैंने ना फूल तोड़ ना डालियाँ तोड़ी है ना ही मैंने फूल तोड़ा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने प्रीवियस क्लास बनाया था, वैसे 1 से लेके 21 तक हमारा पूरा बन गया था, क्वेश्चन नंबर ए का कंप्लीट हो गया था, और मैंने ज़्यादा नहीं दिया था। फर्स्ट डे हमने 6 क्वेश्चन लिखाया था 1 से लेके 6, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है यानी कि विच फ्रूट ड्रिंक डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन से फल का पिए बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पीने का सामान, वो आपको क्वेश्चन था। तो बहुत इजी और एक एक लाइन का क्वेश्चन था। उसके बाद हमने 4 क्वेश्चन कराया 7 to 10, है ना, यानी कि 7, 8, 9, 10। फिर सेकंड डे हमने 11 से 14, यानी कि 11, 12, 13, 14, जिसमें था एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ बुके, और हमें बुके को 5 बार सही प्रोनाउंस करना था। ओके, उसके बाद मैंने 15 to 18, 15 से लेके 18 लिखाया। उसके बाद हमने 19 से लेके 21, तो इस तरीके से कभी 6 कभी 4, 4, 4 कभी 3 मैंने क्वेश्चन लिखाया। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी मैंने बुक वाले बच्चे को बनाने को दी थी पेज नंबर 48, और बुक वाले बच्चे मैच कर लेंगे। ओके, चलिए
लिए मैं बना रही हूँ। नोटबुक वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर बी बना लें, लेकिन बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक ओपन कर लें, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखनी है, तो आपने जो क्वेश्चन नंबर ए लिखा है, क्वेश्चन नंबर ए का जो ऑप्शन है 21 लास्ट क्वेश्चन है, तो उस लिखे हुए पेज में यानी कि 21 के नीचे उस क्वेश्चन और आंसर के नीचे अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना। जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो पहले जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे तो डेट, चैप्टर रिमेंबर, चैप्टर की जगह पेज नंबर डालिएगा, नोटबुक के सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, क्या है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द पिक्चर पिक्चर्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स ही दिया हुआ है, फ्लावर्स तो कहीं पे दिया ही नहीं है। Leaves and flowers of different plants given below and complete complete their names. बोला आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स गिवन बिलो। बोला नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं तरह तरह के पौधों के, अलग अलग पौधों के पत्तों और फूलों के, है ना, लेकिन फूल का तो पल नहीं दिया हुआ है, चित्र सिर्फ पत्तों का दिया हुआ है, तो हमें उन्हें पता लगाना है एंड कंप्लीट देने और उनके नाम को पूरा करना है। तो सभी पत्तों के नीचे बॉक्स में नेम लिखे हुए हैं, लेकिन नेम के कुछ लेटर, कुछ अक्षर लिखे हैं, कुछ अक्षर नहीं लिखे हैं, तो कुछ अक्षर जो नहीं लिखे उसे हमें लिख कर उस वर्ड को, उस शब्द को पूरा करना है। तो चलिए पहले लिखते हैं, सब कैपिटल लेटर में सभी बच्चे लिखेंगे। पहले मैं बॉक्स बना लेती हूँ जितना बनेगा। बना तो आप देख कर बता सकते हैं, आप अगर पत्ते को नहीं पहचानते हैं लेकिन आप नेम देख कर बता सकते हैं कि किस चीज का नेम होगा। ओके, तो ये किस चीज का नेम है, तो ये है, आप ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एल ओ टी यू एस, तो ओ यू एस लिखा हुआ, हम क्या लिख देंगे, एल ओ टी यू एस, लोटस। तो ये जो पत्ता है वो किस चीज का है, वो लोटस का है, यानी कि लोटस के फूल का पत्ता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, और हाँ सभी बच्चे कैपिटल लेटर में ही हर अक्षर को फिर करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, आर ओ एस ई, रोज, रोज मीन्स गुलाब। उस तरीके से यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो एल आई एल वाई, लिली। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो टी यू एल आई पी, ट्यूलिप हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ये लोटस के पेड़ का पत्ता है, ये रोज के यानी कि गुलाब के पेड़ का पत्ता है, ये लीली लीली के पेड़ का पत्ता है। ओके, जो देखिए लगभग सेम ही लगता है ना, लोटस और लीली का जो पत्ता है लगभग सेम ही है। उसके बाद ये ट्यूलिप, ट्यूलिप के पेड़ का पत्ता है। अब हम एक ये बच्चा तो मैं इसे वाइप कर दे रही हूँ, फिर से एक बार बोल दूँ, एल ओ टी यू एस, लोटस, ये हमारा कम्प्लीट, आर ओ एस ई, रोज, ये भी कम्प्लीट, एल आई एल वाई, लीली, ये भी कम्प्लीट, टी यू एल आई पी, ट्यूलिप, ये भी कम्प्लीट। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वो लिखाऊँ।
ओके, तो अब आप बता सकते हैं बी फोर कौन से फ्रूट का नेम है? तो बनाना, बी ए एन ए एन ए बनाना, बनाना मीन्स केला। अब नीचे क्या है, पी, तो क्या हो जाएगा, पी ए पी ए वाई ए पपाया। ओके, तो हमने सिर्फ ए को फिल किया, तीन बार बनाना में ए लिखा, तीन बार पपाया में ए लिखा, है ना, 1 2 3 हो गया ना। तो बी ए एन ए एन ए बनाना, बनाना मीन्स केला, पी ए वाई ए पपाया, पपाया मीन्स क्या होता है, तो पपीता। ओके, तो ये हमारा ये हो गया कंप्लीट। तो ये आप जान गए कि ये बनाना के पेड़ का पत्ता है, ये पपाया के पेड़ का पत्ता है, तो आप जान गए कि ये लोटस के पेड़ का पत्ता है। और सभी बच्चे पहचान लीजिए कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आए तो आप फटाक से बना सको। उसके बाद ये रोज के पेड़ का पत्ता है, ये लिली के पेड़ का पत्ता है, ये ट्यूलिप के पेड़ का पत्ता है, ये बनाना के पेड़ का पत्ता है, ये पपाया के पेड़ का पत्ता है। लोटस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, LOTUS लोटस, ROSE रोज, LILY लिली, TULIP टूलिप, BANANA बनाना, PAPAYA पपाया। तो ये हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सी है, वो क्या करना था, वो आप ही को बनाना है। क्या करना है, कलेक्ट ओरिजिनल लीव्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज एंड पेस देम ऑन अ चार्ट। आप एक चार्ट पेपर लीजिए, चार्ट पेपर पे इन पेड़ों के है ना ओरिजिनल पत्ता, मतलब सही सचमुच का पत्ता आपको चिपकाना है। जैसे बनाना के पेड़ का, मैंगो के पेड़ का, नीम के पेड़ का, पीपल के पेड़ का, पपाया के पेड़ का आप पत्ता तोड़ के लाइए और चिपका दीजिए एक चार्ट पेपर में, और सभी पत्ते के नीचे इसी तरीके से नाम लिख दीजिएगा, ओके, कैपिटल अक्षर में। अब है क्वेश्चन नंबर डी, तो वो मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर डी में क्या होगा। तो मैं पेड़ तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं इंडिकेट कर देती हूँ कि कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है कि लुक एट द गिवन पिक्चर, इस दिए हुए पिक्चर को देखिए, इस चित्र को देखिए, आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट इंडिकेटेड बाय एरोज एंड राइट देयर नेम्स, और एरो के द्वारा जो इंडिकेट कर रहा है जिस पार्ट, उस पार्ट का नेम लिखिए, है ना, नेम को पता लगाइए और उसका नेम लिखिए। तो जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ओके, तो मैं पौधा बना देती हूँ, तो आप बुक वाले बच्चे बुक में ही रहने देंगे। हमें क्या बोल रहा है, तो ये एरो है ना, एरो के द्वारा। इसी तरीके से ना, है ना, इस साइड 1 2 3 4 बना हुआ, इस साइड 2 बना हुआ, मतलब ये दोनों को बोला ये दोनों का नाम लिखना, नाम एक ही होगा। तो अब हम बता सकते हैं, जैसे सबसे पहले नीचे वाला, तो प्लांट पे जैसे ये समझ लीजिए जमीन है, मड है, कीचड़ है, ना मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है प्लांट का, तो वो रूट कहलाता है। हम क्या लिख देंगे, ROOT रूट, ओके। और ये वाला पार्ट क्या कहलाया, ये वाला जो इसको ये इंडिकेट कर रहा है, तो ये स्टीम कहलाता है, STEM स्टीम।
अब ये पार्ट क्या हो गया, तो ये हो गया लीफ हो गया, तो क्या लिख देंगे लीफ, एल ई ए एफ लीफ, और ये क्या हो गया, तो ये फ्रूट हो गया, हम क्या लिख देंगे फ्रूट, एफ आर यू आई टी फ्रूट, और इस पार्ट को और इस पार्ट को, यानी कि इसको और इसको क्या कहते हैं, तो इसको और इसको ब्रांच कहते हैं, बी आर ए एन सी एच ई एस, ई एस इसलिए दे देंगे ब्रांचेस, यानी कि दो पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो एक से ज्यादा हो जाता है तो उसमें एस लगता है, ब्रांचेस, ओके। तो ये हो गया, तो आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिख लीजिएगा, जैसे मैं बुक में भी बता देती हूँ, ये जो ऊपर वाला ये रेड कलर को इंडिकेट कर रहा है ये एरो, तो ये फ्रूट हो जाएगा, क्लियर। अब ये पत्ते को, पत्ते वाले भाग को, ग्रीन पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये लीफ हो जाएगा, आप लीफ लिख लीजिएगा, और ये वाला स्टीम हो जाएगा, स्टीम लिखिएगा, सबसे नीचे वाला रूट हो जाएगा, और ये दोनों पार्ट को जो कर रहा है आप ध्यान से देखिए, तो वुडी और ब्राउन कलर के पार्ट को इंडिकेट कर रहा, तो ये हो जाएगा ब्रांचेस, तो आप ब्रांचेस लिख दीजिएगा, क्लियर। तो हमारा ये पेज नंबर 48 भी कंप्लीट हो गया, ओके। तो आप सभी बच्चे क्या कर लेंगे, तो आप लोग है ना, अगेन आप लोग का होमवर्क क्या हो जाएगा, अगेन रिमेंबर पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 को आप लोग फिर से याद कर लीजिएगा, ओके। मतलब उसमें जो भी क्वेश्चन है, आस्क एंड आंसर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, 1 से लेकर 21 है, सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ओके, रिविज़न कर लीजिएगा, और रिविज़न करने के बाद याद तो कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग पेज नंबर 49 यानी कि चैप्टर 27 उसे रीड कर लीजिएगा, पेट एनिमल्स, इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, ओके। तो मैं प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, ओके। तो सभी बच्चे होमवर्क सुन लें, रीड चैप्टर 27 और अगेन रिमेंबर पेज नंबर 47, चैप्टर 27 को पढ़ना है, और पेज नंबर 47 यानी कि आस्क एंड आंसर 1 से लेकर 21 तक सारे क्वेश्चन को फिर से याद करना है। तो मैंने बार बार ये लिखाया, याद करने को दिया, लिखाया, याद करने को दिया, तो आप आसानी से आपको याद हो गया होगा, तो 1 से लेकर 21 तक पूरा फिर से याद करके आप याद करने के बाद सुनाया कीजिए, ओके। तो सभी बच्चे अपने घर में जो भी आपके स्टडी में हेल्प करता आप उन्हें सुना दिया कीजिए, क्लियर। अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, तो उस समय हमारा जो गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो क्या है कि ऑलवेज मेंटेन करेक्ट पोस्चर, पोस्चर समझते हैं, पोस्चर मीन्स मुद्रा, मुद्रा मतलब हमारे खड़े होने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, वो जो होना चाहिए उसकी पोजीशन होनी चाहिए सही। अगर हम खड़े हैं तो हमें स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, ओके। अगर हम बैठे हैं तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि एकदम अपने पीठ को सीधा करके ऐसे बैठना चाहिए, और जिस जिस पे को हम कर रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, ओके। अगर हम चल रहे हैं तो सही से हमें चलना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे उसको धक्का दे रहे हैं, उसको उठा के फेंक रहे हैं, वैसे नहीं, एकदम सही से जाएं, सही से आएं। तो हमेशा अपने पोस्चर को मेंटेन में रखें, तो आपका जो गुड हैबिट है वो क्या है, ऑलवेज मेंटेन करेक्ट पोस्चर, ओके। हमेशा हमें सही मुद्रा में ही रहना चाहिए, ओके। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया है, अगेन रीड चैप्टर 20 अगेन रीड पेज नंबर 47 और अगेन रिमेंबर यानी कि रिवीजन चैप्टर रिवीजन पेज नंबर 47 एंड रीड चैप्टर 27। पेज नंबर 47 को रिवीजन कर लीजिएगा, यानी कि फिर से याद कर लीजिएगा, याद तो है ही, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक में पेज नंबर 48 यानी कि चैप्टर 27 उसे क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।